हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिशेस मुंबई। दिस इज उमंग चंदे एंड टुडे वी एट हॉट गार्लिक विच इज लोकेटेड एट घनसोली सेक्टर 15 ऑपोजिट 40 प्लस ग्राउंड। गार्लिक के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे वेज भी अवेलेबल है एंड नॉन वेज भी, बट मैं तो सिर्फ वेज ही खाता हूँ। बट रुको, आज मैंने आप सबके लिए गेस्ट को इनवाइट किया है जो नॉन वेज भी खाता है। उसका नाम है आदित्य चोपड़ा। आज मेन्यू में है चिकन बर्न गार्लिक फ्राइड राइस, पनीर चिल्ली, चिकन स्टीम मोमोज, वेज फ्राइड मोमोज, रोस्टेड चिकन, ड्रम्स ऑफ हेवन एंड वेज पेपर फ्राइड राइस। अब मैं टेस्ट करूंगा वेज पनीर चिल्ली एंड इसका मैं गार्निश बोलूं तो इसके ऊपर काफी ज्यादा वेजीज है एंड प्रॉपर पनीर है, मतलब ह्यूज प्लेट है एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी मुझे लग रहा है कि इसको टेस्ट करना चाहिए। तो चलिए टेस्ट करते हैं। काफी ज्यादा अच्छे से कुक किया है, बाहर का जो लेयर है उसका जो टेस्ट है स्पाइसीनेस का वो बहुत अच्छे से आ रहा है, पनीर सॉफ्ट है एंड ये डिश डेफिनेटली टेस्ट करनी चाहिए। तो अब हमारे गेस्ट टेस्ट करने वाले हैं चिकन स्टीम मोमोज। तो ये आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं इसकी साइज के बारे में बात करूंगा, इसका साइज बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है और मैं अभी इसको टेस्ट करने वाला हूँ विद द चटनी। चिकन बहुत ही ज़्यादा जूसी है और इस स्पेशल चटनी की वजह से मोमोज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो गए। तो अब मैं टेस्ट करने वाला हूँ वेज फ्राइड मोमोज एंड मैं ये देखने में बोलूँ तो ये सच्ची में ज़्यादा क्रिस्पी आप देख सकते हो एंड इसके अंदर मैं बोलूँ तो वेजिटेबल काफ़ी अच्छे से फिलती है। तो चलो टेस्ट करते हैं। जो क्रिस्पीनेस रहता है ना फ्राइड मोमोज का वो इसमें बहुत अच्छे से आ रहा है एंड एक खास बात, मोमोज जितने अच्छे हैं चटनी भी उतनी ही अच्छी है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि चटनी की वजह से मोमोज का टेस्ट दुगना अच्छा आ गया एंड ये मोमोज भी डेफिनेटली ट्राई करने चाहिए। मोमोज तो हो गए, अब बारी है रोस्टेड चिकन की एंड मैं इसका गार्निशिंग बोलूँ तो उसके ऊपर पेपर्स है एंड काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर में ये मिक्स लग रहा है मुझे। बस देरी है इसे खाने की, बट मैं नहीं खा सकता, आदित्य खा के बताएगा ये कैसा है। ओके, तो टेस्ट कर रहा हूँ मैं अभी। चिकन डेफिनेटली बहुत अच्छा है, इसको बहुत अच्छे से रोस्ट किया है और जैसे उमंग ने बताया इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स है इसमें और आई थिंक सभी को ट्राई करना है। अब आदित्य टेस्ट करने वाला है ड्रम्स ऑन हेवन एंड ये देखने में बोलूँ तो काफ़ी ह्यूज है, इसका जो प्लेटिंग आप देख सकते हो कितना बड़ा वेसल में इसको प्लेट किया है एंड क्वांटिटी भी उतनी ज़्यादा अच्छी है एंड इसमें चिकन के 6 ह्यूज पीसेस है एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी लग रहा है। बस टेस्ट करने की देरी है, लेकिन वापस मैं नहीं आदित्य टेस्ट करेगा। उमंग, सबसे पहले तो मुझे इसका ये जो प्लेटिंग सिस्टम है सिरेमिक टूल में जो इसको प्रेजेंट किया गया है वो मेरे को सबसे अच्छा लगा। चिकन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है और स्पाइसी भी है और बहुत अच्छा क्रंच भी आ रहा है इसका, तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा जरूर इसका ट्राई करना। अब मैं टेस्ट करने वाला हूँ पेपर फ्राइड राइस एंड ये काफी ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में है, तो चलो टेस्ट करते हैं। पहली बाइट में मुझे थोड़ा सा बर्न का टेस्ट आया एंड जब मैंने तेजवान चटनी डाली फ्राइड राइस और ज्यादा अच्छी हो गई एंड इसमें पेपर की वजह से टेस्ट और अच्छा हो रहा है प्लस फ्राइड राइस बर्न्ट है, तो इन ऑल ये कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अब आ गई है आदित्य की बारी बर्न्ट चिकन गार्लिक फ्राइड राइस खाने की एंड मैं बोलूँ तो मुझे इसमें ऊपर ही चिकन के पीसेस दिख रहे हैं
एंड नाम तो बर्नट है बट दिख रहा है जेन्युइनली बीच बीच में राइस बर्नट है। एंड अब आदित्य टेस्ट करके बताएगा कि ये कैसा है। ऑलराइट, तो मैं भी आपको इसके रिव्यूज बताता हूँ कैसे है राइस। चिकन फ्राइड राइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसमें स्मॉल पीसेस है चिकन के, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आ रहे हैं। इट इज़ एडिंग अप टू द क्वालिटी एंड या इट शुड बी ट्राइड बाय एवरीवन। तो हॉट गार्लिक, यहाँ के मैं अपने पर्सनल रिव्यूज दूँ तो सबसे पहले आता है यहाँ का खाना। तो यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है एंड ऑप्शन के साथ साथ वेराइटीज भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि फ्राइड राइस में बर्न गार्लिक फ्राइड राइस थी, चिकन बर्न गार्लिक फ्राइड राइस थी। तो ये एकदम लाइक अच्छा लगता है जब क्वांटिटी भी अच्छी हो, क्वालिटी भी अच्छी हो एंड कहीं ना कहीं फूड में अलग अलग फ्यूजन हो। एंड अब मैं बताऊँ तो मुंबई एंड नवी मुंबई की जो मेन एरिया में जो फूड रहता है वही फूड यहाँ पे सेम प्लेटिंग सेम गार्निशिंग के साथ आपको मिल रहा है घनसोली में। एंड ये एरिया का मैं बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा लाइवली है, यहाँ की हवा काफ़ी ज़्यादा है एंड ये बहुत ही शांत जगह है। तो आप कभी पास हो रहे हो घनसोली से तो यहाँ पे खाना तो डेफिनेटली बनता ही है। एंड मैं आपको और एक खासियत की बात बताऊँ तो इनका फर्स्ट आउटलेट एरोली में है सेक्टर 20 एंड ये सेकेंड वन है, वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है एंड ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। एंड उसके बाद मैं अगर आपको बताऊँ तो गवर्नमेंट के जो भी सेफ्टी मेजर्स है वो ये प्लेस फॉलो करती है। एंड अगर आप फूड डिलीवरी आपको आपके घर पे मंगाना है तो 11 बजे तक आप आराम से आपके घर पे मंगा सकते हो। मेन्यू तो भरा है बस आपका पेट आपको भरना है, उसके लिए आपको नाम नोट कर लेना है हॉट गार्लिक।